हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का हमारा नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, केमिकल काइनेटिक्स। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आईआईटी जेईई नीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये कॉम्पिटिशन्स के लिए भी और बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है बच्चों? काइनेटिक्स का मतलब है मोशन, यानी समथिंग रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ सम केमिकल्स, करेक्ट। सो यहाँ हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस, यानी के केमिकल रिएक्शन की मूवमेंट कैसे होती है, किस स्पेस पे ये एक्शन होने वाली है। सो क्या लिख सकते हैं हम? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स, राइट। हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ों के बारे में ध्यान देने वाले हैं? हम देंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, क्या है मोटे मोटे तौर पे, व्हाट ऑल आर दी फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक बच्चों, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? इट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बन रहा है, सो इनिशियली रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? मैक्सिमम इन इनिशियल पॉइंट की, सबसे ज़्यादा यही है, इसकी ज़ीरो हो जाती है। इक्विलिब्रियम पे आके क्या हो जाएगा? समथिंग लाइक बराबर हो जाएगी, यानी कि अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम सी मान लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सी माइनस एल्फा, तो ये क्या हो जाएगी? एल्फा, करेक्ट। और या फिर ये हो सकता है, अगर कंप्लीट हो जाए रिएक्शन, तो ये क्या हो जाएगा? ये ज़ीरो हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ऑल दो प्रैक्टिकली कंप्लीट रिएक्शन होता ही नहीं है, प्रैक्टिकली कंप्लीट रिएक्शन कभी भी नहीं होता, आपको हमेशा इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिलती है, करेक्ट। तो जब भी आप कॉन्सेंट्रेशन टू टाइम का ग्राफ बनाएंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन टू टाइम ग्राफ बनाएंगे, लेट अस से ऑफ रिएक्टेंट, तो हमें पता है रिएक्टेंट पहले क्या था? टाइम जीरो पे मैक्सिमम, करेक्ट। और जब टाइम टी हो गया, तो इसकी इक्वेशन जो है रिड्यूस, इट इज गोइंग टू रिड्यूस, सो इट इज गोइंग टू रिड्यूस लाइक दिस। सो इस टाइम के बाद लेट अस से इट बिकम्स इक्विलिब्रियम, सो देयर इज अ डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिमिलरली अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट देख ले, वी आर यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप देखेंगे पहले जीरो थी, टाइम टी जीरो पे कॉन्सेंट्रेशन जीरो है, एंड देन इट विल इंक्रीज एंड विल बिकम पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। Why so? This is at equilibrium. अब reactions जो है ना बच्चों, कई तरीके की हो सकती हैं। या तो reaction बहुत fast होगी, या तो reaction बहुत slow होगा, correct? Fast reaction जो है उसका rate of reaction यहीं पे mark करते हैं, this is denoted by ROR,
और कई बुक्स में स्मॉल आर की फॉर्म में गिवन होता है. सो रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ फास्ट रिएक्शंस होंगी, इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट. राइट. और स्लो रिएक्शंस में जो है रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना इज नॉट फ्रूटफुल, कोई फायदा नहीं होता क्योंकि बहुत देर लग जाती है. सो एक थर्ड टाइप की रिएक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड एज मॉडरेट. अब ये जो मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन है, दिस रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजरेबल. और यही इस पूरे चैप्टर में हम इन्हीं रिएक्शंस की बात करने वाले हैं, मॉडरेट की. बहुत फास्ट बहुत स्लो की हम बात नहीं करेंगे, हम उन्हीं रिएक्शंस की बात करेंगे जिनका रेट ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट कर पाएंगे. जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, वी हैव NaCl एंड इट रिएक्ट्स विद AgNO3. नाउ इसके अंदर ये भी आयनिक प्रोडक्ट है, ये भी आयनिक प्रोडक्ट है, आयनिक कंपाउंड है. यानी कि इसके आयन्स तो पहले ही रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. यहाँ पे क्या होना है, सिंपल रिएक्शन होनी है. AgCl फटाफट से जैसे ही डालोगे साथ के साथ रिएक्शन हो जाती है. ठीक है, सो इट इज गोइंग टू गिव यू प्रेसिपिटेट्स ऑफ AgCl. नाउ दिस रिएक्शन इज अकरिंग इन 10^-5 सेकेंड्स के अंदर हो रही है. अब आप बताइए इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में जो रिएक्शन हो रही है उसका रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. सो दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज फास्ट रिएक्शंस. राइट. सिमिलरली आप देखो, वी हैव रस्टिंग ऑफ आयरन. अब ये तो है नहीं आज रखो और कल रस्ट हो जाएगा, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन समटाइम टेक ईयर्स ऑफ टाइम. राइट. सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ ROR हम सिर्फ मॉडरेट रिएक्शंस की बात करेंगे. ठीक है, आर टू बी डिस्कस्ड. अब इसमें मॉडरेट से मतलब क्या है, देखो एग्जांपल देखो. एक हमारे पास है नाइट्रोजन, इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन. ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन यूज़ होगी आपके क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में एंड इवन योर एग्जाम्स, काफ़ी बार आएगी ये रिएक्शन. दिस इज गोइंग टू गिव यू अमोनिया. हमें सबको पता है ये हेबर प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन अभी हम सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. सो वी हैव गिवन अ सिंगल एरो. इस केस में अब देखिए क्या हो रहा है, नाइट्रोजन जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, हाइड्रोजन भी मॉलिक्यूल फॉर्म में है, इट इज़ अ कोवलेंट कंपाउंड. तो यहाँ से जो बॉन्ड्स हैं बच्चों वो ब्रेक करेंगे. जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगी तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू फॉर्म अमोनिया. ये अमोनिया बनाने के लिए ये बॉन्ड्स फॉर्म करेगा. यहां से बॉन्ड टूटने में और बॉन्ड के बनने में कुछ टाइम लगेगा, इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम एंड दिस टाइम टेकन इज फाइनाइट टाइम, जिसे कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट. सो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मॉडरेट रिएक्शंस. हम मॉडरेट रिएक्शंस को यहां पर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस भी कहेंगे, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस. राइट. रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों हम दो तरीके का पढ़ेंगे, दैट इज वन इज द एवरेज एंड अदर वन इज द इंस्टेंटेनियस. एवरेज हम लेंगे जहां सीधा सीधा आंसर आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम. ठीक है, इंस्टेंटेनियस में भी हम लेंगे, लेकिन क्या लेंगे, वेरी स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंटेनियस का मतलब एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. और ये कब है, व्हेन वी हैव रीच द फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया है या इक्विलिब्रियम अचीव कर गया है, उसे हम बोलेंगे एवरेज. राइट.
सो अब आर ओ आर के केस में हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। अब देखते हैं एवरेज आर ओ आर कैसे निकलेगा। देखिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास एक रिएक्शन है 2A+3B गिव्स अस 4C। इस केस का अगर मैं आर ओ आर निकालना है, एवरेज आर ओ आर, एवरेज आर ओ आर निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? वी विल से चेंज इन फाइनल एंड माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब डेल्टा ए की मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी चेंज इन टाइम। अगेन वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय द इनवर्स ऑफ द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सिंस दिस इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड, यानी कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन विल बी लेस दैन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। सो दैट इज़ वाई वी पुट माइनस ओवर हेयर, बिकॉज आर ओ आर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो इन टर्म्स ऑफ आर, ए की कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से अगर मुझे आर ओ आर देना है, सो आई विल राइट -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अगर आर ओ आर मुझे बी की टर्म में देना हो, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा। लेकिन अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में देना है, तो प्रोडक्ट में देखिए फाइनल कॉन्सेंट्रेशन विल बी मोर, क्योंकि प्रोडक्ट पहले जीरो था, अभी कुछ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बन गई। सो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, टाइम तो फाइनल ज़्यादा ही होगा, टाइम नेवर गोज बैक, नेगेटिव में होता ही नहीं। सो इसका मतलब इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे 1/4, यानी कि इनवर्स ऑफ स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन द टाइम। So this is going to be the rate of reaction for this reaction in terms of A, B and C. And they are all going to be equal. यानी कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर भी है. So there is no change. अगर इसको आप कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट कर लो, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. So R O R आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो. रेट ऑफ रिएक्शन के साथ साथ हम एक और वर्ड पढ़ते हैं बच्चों, रेट ऑफ अपियरेंस। एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अब कोई भी रिएक्शन करते हैं तो अपियर क्या करता है? प्रोडक्ट। डिसअपियर क्या करता है? रिएक्टेंट। सो रेट ऑफ अपियरेंस क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। एंड अगेन रेट ऑफ अपियरेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, रेट हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। सो रेट ऑफ अपियरेंस है तो वी नीड नॉट टू राइट एनीथिंग, क्योंकि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी मोर दैन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस देखिए, अगेन दिस हैज टू बी पॉजिटिव, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होता। सो अगेन दिस विल राइट विल डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम। अगेन दिस इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, कभी दिमाग में नहीं रहता है, तो इसीलिए हम एक चीज़ करेंगे, विल राइट मोड। सो मोड ऑफ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये भी पॉजिटिव है। या आप लिख सकते हो मोड ऑफ डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस, राइट? सो वॉट इज गोइंग टू बी द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? हमने क्या बात की है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा पी और डेल्टा आर ले लेते हैं अपॉन डेल्टा टी, नेगेटिव में, चलिए ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग। नाउ वॉट इज दिस मोलर कॉन्सेंट्रेशन? सो वॉट इज द यूनिट? मोल्स पर लीटर। एंड वॉट इज दिस सेकेंड? सो इट इज गोइंग टू बी मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, दिस इज गोइंग टू बी द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और इवन फॉर रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपियरेंस, करेक्ट? अगर ये समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए जरा। आपको एक रिएक्शन दे रहे हैं, दैट इज PCl5 गिव्स अस PCl3 प्लस Cl2 गैस। अब आपको पता होना चाहिए
कि गैशियस आ गया है अगर, तो यूनिट बदल जाएगी, क्योंकि गैस में मोल्स पर लीटर नहीं लेते, क्या लेते हैं हम लोग, एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू बी ATM। सो आप कह सकते हो फॉर गैसेस यूनिट क्या हो जाएगी, ATM पर सेकेंड, राइट। तो चलिए इसका लिखते हैं कैसे बनेगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा PCl5 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि स्टॉक्योमेट्रिक वन है, नीड नॉट टू राइट एनीथिंग। ऑल्सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा टी, ऑल्सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl अपॉन टी। अब हम इसमें गैशियस फॉर्म में है तो मोलर तो लिख नहीं सकते, सो हाउ विल वी राइट इट, चेंज इन द प्रेशर ऑफ PCl5, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 अपॉन डेल्टा टी ऑल्सो इक्वल टू माइनस चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 अपॉन डेल्टा टी माइनस डेल्टा चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन अपॉन डेल्टा टी। क्लियर। एक एग्जांपल और देखिए, वी हैव N2O5 गैशियस गिव्स अस NO2 गैशियस प्लस O2। पहले आप सिंपल रिएक्शन को लिखना सीखिए, देन यू कैन जस्ट लुक इनटू द पार्शियल प्रेशर्स और द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अभी हम सिंपल लिखते हैं, ROR विल बी गिवन बाय माइनस 1/2 डेल्टा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ऑल्सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा O2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ऑल्सो डिनोटेड बाय R, इंस्टेंटेनियस, राइट। ओके, इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन और एट एनी गिवन टाइम, राइट। इसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। इसमें हमने बच्चों क्या करना है, बस डेल्टा की जगह आपको डी लगाना है, बिकॉज वेरी स्मॉल चेंज, एट एनी गिवन टाइम और कॉन्सेंट्रेशन और एट एनी गिवन टाइम ऑफ द ड्यूरेशन। यहाँ पे क्या होता है, इन इंस्टेंटेनियस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी स्मॉल, सो डिनोटेड बाय डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, एंड टाइम चेंज इज वेरी वेरी लेस, इज ऑल्सो वेरी लेस, इज वेरी स्मॉल, लेट अस से इट गोज टू जीरो, राइट। सो वॉट वी विल राइट फॉर टाइम, सो डिनोटेड बाय स्मॉल डी इंटू टी, राइट। सो द रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाता है, ROR विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस DR अपॉन DT माइनस और DP अपॉन DT पॉजिटिव। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट अस लुक एट द एग्जांपल नंबर 4.1। फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ C4H9Cl दैट इज द ब्यूटाइल क्लोराइड एट डिफरेंट टाइम्स गिवन बिलो कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देखो रिएक्शन गिवन है आपको, C4H9Cl प्लस वाटर गिव्स यू C4H9OH यानी कि ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड एंड HCl ड्यूरिंग डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम आपको गिवन है 50-50 के स्केल पे, एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है 0.1 से 0.09, 0.08, 0.07, 0.06, 0.05, 4 through and 1. Now he is asking you कि आप मुझे बताइए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। पहली बात, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल,
फाइनस माइनस इनिशियल, ये क्या है टाइम, टाइम हमें पता है 50-50 का चल रहा है, 10 माइनस 100 माइनस 50-50, 150 माइनस 150, 250, यहाँ के टाइम चेंज हो गया। मोलर कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कम है इनिशियल ज़्यादा है, तो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी नेगेटिव, सो वी विल पुट द रिएक्टेंट है माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। सो लेट अस कैलकुलेट इट, सभी का कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, हम सारी नहीं करेंगे यहाँ, वी विल ट्राई सी हाउ द थिंग्स आर प्रोसीडिंग। लाइक आपको गिवन है पहली कॉन्सेंट्रेशन, देखो क्या गिवन है आपको, 0.1, ठीक है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन मार्क करते हैं इनिशियल एंड देन वी विल राइट फाइनल, ठीक है। फाइनल में कितनी है, 0.0905, यहाँ टाइम का डिफरेंस ले लेते हैं, टाइम हमें है 50 सेकेंड का डिफरेंस, डेल्टा टी पहले ही ले लिया मैंने, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट केस, सेकेंड में कितना और है, 0.0905, यही वाली कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल हो गई, फाइनल क्या है 0.0820, टाइम अगेन 50 सेकेंड। थर्ड कॉन्सेंट्रेशन 0.0820 से 0.0741, अगेन टाइम इज 50, 0.0741, 0.0671, टाइम इज अगेन 50, 0.0671 से 0.0549, यहाँ टाइम आ गया 100। अभी हम यहाँ रुकते हैं, अब देखिए आपको पहले देखना है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करना है। एवरेज रेट का तो सीधा है, मैं पहले इसका निकाल लूँ एवरेज, एवरेज इसका निकाल लो, किसी का निकाल लो, क्योंकि फाइनल इनिशियल गिवन है आपको। तो चलिए पहली कंडीशन में निकालते हैं, आर ओ आर विल बी इक्वल टू माइनस 0.0905 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय 50। सो ये कितना आ जाएगा आपका, 10 में से 5 गए 5989 डेसिमल डिवाइडेड बाय 50, करेक्ट, ओके। सिंस द स्टॉकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द रिएक्शन दैट इज C4H9Cl प्लस H2O गिव्स अस C4H9OH प्लस HCl, स्टॉकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1, सो आई नीड नॉट टू पुट एनीथिंग ओवर हियर। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 50 था तो हमने 1.9 रह जाएगा, सो द आंसर विल बी 1.98। सो ये हमने एक ROR निकाला है, ऐसे ही आप सारी ROR निकाल लेंगे। सो आप इसमें क्या कर लेंगे, 1 × 10⁴ हो जाएगा नीचे, दैट विल गो अप, सो 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप सारी कैलकुलेट कर लेंगे, हमने फर्स्ट कैलकुलेट की है, नाउ वी विल कैलकुलेट द लास्ट वन ऑल्सो, दिस इज द फर्स्ट वन, सिमिलरली हम लास्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। लास्ट में फाइनल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपके पास क्या रहेगी, 0.0210 एंड द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज 0.017 एंड द टाइम डिफरेंस डेल्टा टी इज इक्वल टू 100। सो आप लिख सकते हैं 0.017 माइनस 0.0210 डिवाइडेड बाय 100। सो ये आ जाएगा हमारे पास 0.4 × 10⁻⁴ माइनस 4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो आप देखिए द कॉन्सेंट्रेशन और द रेट ऑफ द रिएक्शन हैज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम 10⁻⁴ से 0.4 × 10⁻⁴। दिस इज द फर्स्ट ROR एंड दिस इज द लास्ट ROR, करेक्ट। सो इट इज दिस हाउ द रिएक्शन रेट इज रिड्यूसिंग। पर ये तो हमें मिला है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन अगर हमें बोल दे कि किसी एक पॉइंट पे बताइए, किसी एक पॉइंट पे बताइए कि इस पर्टिकुलर टाइम में क्या होगा, तब आपका रिएक्शन ये नहीं होगा, देन वी विल टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, जहां हम बात करेंगे दैट आर ओ आर इज गोइंग टू बी माइनस डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, डी आर अपॉन डी टी और डी प्रोडक्ट अपॉन डी टी, R stands for reactant, P stands for product. For this, हम चलिए एक ग्राफ बनाते हैं, हम वही ग्राफ ले लेते हैं जो आपकी बुक में है। इस ग्राफ के अंदर उन्होंने क्या कहा है आपसे, देर इज अ ग्रोथ स्लोप और इज आस्किंग कि एक टाइम पीरियड आपको हमने दे दिया है एंड दिस टाइम पीरियड इज लेट अस से 600 सेकेंड्स,
टाइम पीरियड ओवर हेयर 600 सेकेंड के ऊपर. ही इज आस्किंग एट 600 सेकेंड, एट 600 सेकेंड वॉट इज आर ओ आर. दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस इज द टाइम इन सेकेंड्स. करेक्ट. अब वो कहता है आपको इस टाइम पे मुझे बताइए वॉट इज गोइंग टू बी द कॉन्सेंट्रेशन. तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमने ऐसा कुछ देना होता है, एक्सपैंड योर स्लोप एंड द एंगल मेड बाय दिस इज द, नाउ दिस इज द ट्राइंगल दैट आई हैव टू कंसिडर. ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ नीचे तक ही जाएं. अगर ये ग्राफ यहाँ तक गिवन है आपको, आप यहीं से ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस. राइट, दिस इज वॉट इज डन इन योर बुक. सो उसको देख के घबराइएगा मत. तो आपकी रिएक्शन का ग्राफ उन्होंने यहाँ तक दिया, तो यहीं से आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिएगा टाइम स्केल के ऊपर, एंड पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस. सो दिस गोइंग टू बी ट्राइंगल. सो दिस इज द एंगल दैट वी नीड टू कंसिडर. और हमें पता है कि कौन सा एंगल कंसिडर करना होता है फॉर कैलकुलेटिंग द स्लोप. दैट हैज़ टू बी द पॉजिटिव एंगल, एंगल मेड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. करेक्ट. सो इफ दिस थीटा इज गिवन, तो यू विल माइनस दिस बाय 180. 180 में से इसको माइनस कीजिए, यू विल गेट द आंसर 180 माइनस थीटा डिग्री. ठीक है, दिस इज वॉट इज वी आर गोइंग टू कंसिडर. सो टैन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. दिस इज आर परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, बेस इज द एक्स एक्सिस. सो इस टेंजेंट को ड्रॉ करने के बाद अगर वो 600 सेकेंड पे आपसे मांग रहा है, सो वॉट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट, जहाँ पे आपने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की है ये टाइम, और जहाँ आपने ये ग्राफ कंप्लीट किया है, लेट अस से इट इज मूव्ड ओवर हियर. सो ये टेंजेंट आपकी जा रही है. ठीक है, चलिए इसको एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं. ओके, लुक एट दिस ग्राफ. ये आपकी एक स्लोप जा रही थी. ठीक है, आपको कहा गया 600 सेकंड पे बताइए. आपने यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया. इस टेंजेंट को आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी और पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, एक ट्राइंगल बन गया. नाउ दिस इज गोइंग टू बी माई द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप मार्क करेंगे तो देखो समवेयर अराउंड 0.3 समथिंग आ रहा है, 0.03, है ना, वेरी क्लोज टू 4. इसकी आप मार्किंग करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यूज ऑल्सो. अगर आप यहाँ देखेंगे तो इट इज़, देखो कहाँ पे जा रहा है, लगभग 1.6 के अराउंड कहीं आ रहा है, 0.16 के. क्यों? देखो 5 से ऊपर जा रही है लाइन, है ना, हाफ से ऊपर है. सो अप्रॉक्सीमेटली आपने वैल्यूज़ ले ली हैं. प्रॉपर ग्राफ होगा तो आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी. तो आप 0.03 लेके 0.038 ले सकते हो, आप 7 ले सकते हो बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू 4. एंड ओवर हेयर वी कैन टेक 0.0167, 6 के अराउंड आप ले सकते हो. ठीक है, नाउ दिस इज अ टाइम, दिस इज अ टाइम. तो 800 माइनस 400 कितना हो जाएगा, 200. दैट इज गोइंग टू बी द टाइम इन इसके बीच में हमने फाइंड आउट करना है. सो लुक एट द वैल्यूज. आर इंस्टेंटेनियस कितना किया है उसने, 600 सेकंड्स के ऊपर उसने बोला है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल लिया जाए एंड फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम ले लें तो वी विल गेट दिस वैल्यू. दिस वैल्यू इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट 600. ऐसे आप अलग अलग टाइमिंग्स पे और निकाल सकते हो. सो दिस इज वॉट वी टॉक अबाउट, इंस्टेंटेनियस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन वी कैन गेट. देखिए, अमोनिया एंड ऑक्सीजन रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर. ठीक है, अमोनिया एंड ऑक्सीजन रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर टू गिव नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर. यू आर गिवन द बैलेंस्ड रिएक्शन. ऑब्वियसली आपको बैलेंस्ड रिएक्शन दी जाएगी बिकॉज दे वॉन्ट टू यूज योर स्टॉइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन एन एक्सपेरिमेंट. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज 3.6 into 10 raised power minus 3 mole per liter per second. Calculate number 1 rate of disappearance of ammonia and number 2 rate of formation of water. आपको ये दोनों चीजें बतानी है.
अब देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर निकालना है, तो सबसे पहले इन्हीं को लिख लें, देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी इसकी। तो चलिए सबसे पहले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया लिखते हैं। आर ओ डी क्या हो जाएगा? अमोनिया, यानी कि चेंज इन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम, मॉड, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, नॉट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर देखें तो क्या होगा? रेट ऑफ अपीयरेंस, फॉर्मेशन का मतलब अपीयरेंस, सो यह क्या लिखोगे आप? मॉड डेल्टा दैट ऑफ वाटर अपॉन डेल्टा दैट ऑफ टी, करेक्ट। अब देखो इसमें मुझे ये दोनों चीज़ें चाहिए, कैसे फाइंड आउट करें? ही इज गिविंग इन एन एक्सपेरिमेंट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ इज गिवन, सो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनओ गिवन है आपको, वो क्या है? एनओ डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये गिवन है हमें। अब यहाँ से हम कैसे निकालें? रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के देखें। एनओ का हमें गिवन है दैट इज 3.6 इंटू 10 रेज पर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एनओ निकाल लें। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एनओ कैसे लिखोगे आप? 1/4, क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड में है सो पॉजिटिव ऑलरेडी आएगा, सो वी विल राइट डेल्टा एनओ अपॉन डेल्टा टी, करेक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है मुझे अगर, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस गिवन है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है यहाँ से, सो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ एनओ और डेल्टा टी गिवन है, यानी कि ये आपको गिवन है, सो दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3.6 इंटू 10 रेज पर माइनस 3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, सो ये कितना हो जाएगा? 0.9, सो इट इज़ गोइंग टू बी 0.9 इंटू 10 रेज पर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब ये क्या मिल गया मुझे? रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये किसी भी टर्म में आया हो, ये मेरा रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। रेट ऑफ रिएक्शन से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया आराम से निकाला जा सकता है। कैसे? हमने क्या कहा है? रेट ऑफ रिएक्शन अगर अमोनिया के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखोगे? -1/4 डेल्टा दैट ऑफ अमोनिया अपॉन डेल्टा टी। रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता है, वैल्यू पुट करते हैं, 0.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू -1/4 डेल्टा दैट ऑफ अमोनिया अपॉन डेल्टा टी, राइट? दिस इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमें पता है, बट दिस इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव बिकॉज हमें पता है अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी। तब दूसरे मेथड से हम शॉक निकालते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। देखिए अगर अपन रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करें दोनों का तो क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 1/6 डेल्टा दैट ऑफ वाटर अपॉन डेल्टा टी, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा इन केस ऑफ नाइट्रोजन? 1/4 डेल्टा एनओ अपॉन डेल्टा टी। अब हमें पता है ये दोनों तो सेम होने वाले, देर इज गोइंग टू बी नो चेंज, राइट? सो आप दोनों को इक्वेट कर सकते हो, लेट अस मार्क इट एज 1 एंड 2। तो हम क्या लिखेंगे? 1/6 ऑफ H2O अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा एनओ अपॉन डेल्टा टी, करेक्ट। एनओ अपॉन डेल्टा टी हमें गिवन है, क्या गिवन है? 3.6 इंटू 10 रेज पर माइनस 3 बिकॉज दिस इज द अपीयरेंस ऑफ एनओ, ये क्लियर है हमारा। और क्या बचा अपने पास? हमें क्या चाहिए? डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी चाहिए। इस सारे को आप मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, 6 उधर चला जाएगा, सो क्या आएगा? 2 से करते हैं अगर, 2 टू 4, 2 थ्री 6, सो 2 वन 2, 2 एट 16, सो 18 थ्री 54, 5.4 इंटू 10 रेज पर माइनस 3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। सो देखिए दो मेथड से मैंने आपको बताया, ये मेथड सिंपल है, अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालना चाहते डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, राइट? चलिए एग्जाम्पल नंबर 4.2 देखते हैं। 4.2 में क्या लिखा? डोंट लुक एट द आंसर, प्लीज हाइड इट बिफोर यू रीड द आंसर क्वेश्चन। द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 एट 318 केल्विन हैज बीन स्टार्टेड बाय द मॉनिटरिंग, यानी N2O5 और CCl4 की रिएक्शन हो रही है।
studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially the concentration of N2O5 is itna, आपको initial concentration given है, and after 184 minutes, seconds में convert कर सकते हो, it is reduced to itna, final concentration भी given है. So minus minus initial divided by time will give you ROR. The reaction takes place according to this equation. ROR निकालने के लिए डेल्टा माने आपने माइनस कर देना 2.08 माइनस 2.33 डिवाइडेड बाय 184 इनटू 60 एंड मल्टीप्लाइड बाय द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/2, तो आपको ROR मिल जाएगा. कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ दिस टर्म इन टर्म्स ऑफ आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स. मिनट्स में कन्वर्ट करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना. सेकंड्स में कन्वर्ट करना है इनटू 60 डिनोमिनेटर में. अगर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो इनटू 60 न्यूमरेटर में, तो आपका आंसर आ जाएगा. वॉट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग द पीरियड. रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ NO2 आपको बताना है. सो इट इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. एक बार ट्राई कीजिए इसको, पॉज करके डोंट लुक एट द आंसर एंड देन विल सॉल्व इट. चलिए चलिए, आई होप आप लोगों ने पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई किया होगा. लिखते हैं N2O5 गिव्स अस NO2 प्लस O2 गैस, करेक्ट. ही सेइंग इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है 2.33 मोल्स पर लीटर एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 2.08 मोल्स पर लीटर, राइट. एंड इज आस्किंग यू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज. टाइम भी आपको गिवन है 184 मिनट्स. अब इसको आप आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एंड सेकेंड्स में भी. ईजी है, अगर आप सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो आप सीधा लिखेंगे 184 मल्टीप्लाइड बाई 60, एंड अगर आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो पर मिनट, सो 184 डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे. तो यहाँ से आपको ROR निकालना है एंड यू हैव टू पेयर रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ NO2. ये दो चीज़ें करनी है. एवरेज ROR आई होप आप क्लियरली निकाल सकते हैं. पहले हम सिंपल मिनट्स में ही निकाल लेते हैं क्योंकि कोई कन्वर्जन नहीं करना. 2.08 माइनस 2.33, दिस इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 184 गिवन टाइम एंड द स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2 माइनस में रहेगा, ठीक है. अगर हम क्वेश्चन को निकाल रहे हैं तो माइनस में, इसको माइनस में रखना. नाउ सो क्या आएगा, 3 में से 8 गए 5, 13 से 8 गए 5, 2, 0 डेसिमल. माइनस 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 में आएगा ये आंसर, और माइनस बाहर भी है 184. सो इट इज़ गोइंग टू बी 0.25 डिवाइडेड बाय 184, ठीक है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. यू कैन सॉल्व दैट. अब वो कहते हैं आप इसका ROR मुझे मिनट्स में भी दीजिए, आवर्स में भी दीजिए और सेकेंड में भी दीजिए. मिनट में हमने निकाल लिया, ठीक. आवर्स में निकालने के लिए क्या करोगे आप, जो भी आंसर आया है आप उसको सीधा सीधा 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. करेक्ट, तो ये आपका आंसर आएगा मोल्स पर लीटर पर आवर. 60 से डिवाइड कर दीजिए, दिस विल गिव यू मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, या पर मिनट. सो ये मिल गया हमें ROR. नाउ इज आस्किंग कैलकुलेट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2. कहाँ करें, यहीं कर लेते हैं. चलिए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इसको कैसे सॉल्व करेंगे. रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब है ROR क्या लिखोगे आप NO2 की वैल्यू में अगर लिखना चाहें तो. दिस इज 4, तो ये आएगा 1/4 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 माने NO2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का चेंज अपॉन चेंज इन टाइम, करेक्ट. ROR की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है मिनट में भी सेकंड में भी, वैल्यूज पुट कर लेते हैं. कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए आप. जीरो पॉइंट, चलिए हम सेकंड्स का यूज़ कर लेते हैं. 0.025 अपॉन 184 इंटू 60 इंटू 4 विल गिव यू चेंज इन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक. सो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको डेल्टा NO2 की वैल्यू मिल जाएगी. सो द आंसर विल बी 2.72 इंटू 10^-3 मोल्स. चलिए अगर पर मिनट का भी लेते हैं, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड आ जाएगा इसका आंसर.
So this is how we can calculate the rate of reaction and rate of appearance of NO2. नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन दो मेन फैक्टर्स रहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर. इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर एंड एन्जॉय योरसेल्फ.